एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर इफ्तखार शिराजी के ज़ेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले इंतजामिया के अहदेदारान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू 1122 पुलिस महकमे सेहत सिविल डिफेंस दीगर तमाम महकमजात को हाई अलर्ट रहने की तलकीन की। इस बाबरकत मौके पर तमाम वसायल बुरकार लाने की हिदायत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि रेस्क्यू 1122 जेल अपने तमाम तर वसायल को बुरकार लाते हुए ज़िला भर में मुनाकिद होने वाले तमाम बड़े जुलूस और इतम पर एमरजेंसी को फराहम करेगा। इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए हम वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1122 आवाम का अपना इदारा है, हमारा मकसद आवाम में एहसास तहफ़ पैदा करना है। रेस्क्यू के जवान पूरे जोश और जज्बे के साथ हर वक्त आफा से नबुर्दाज़मा होने के लिए भी तैयार हैं।